कोरोना ने इस साल अपना स्वरूप बदला और दूसरी लहर के रूप में तबाही मचा दी। लोगों को लगा कि इसके मुकाबले पहली लहर तो कुछ भी नहीं थी, वो तो केवल फैली बस थी। लोग बीमार हो रहे थे लेकिन ठीक भी हो रहे थे, मौतें भी हुई थी लेकिन थोड़ी। परंतु इस साल कोविड की दूसरी लहर तो मानो तूफान ही बन गई। पूरे अप्रैल माह में तमाम अपनों के चले जाने की दुखभरी खबरें सुनने को मिली। लोग भयभीत हुए तो प्रशासन भी चौकन्ना हुआ। अब कोविड के इस बदले स्वरूप को परास्त करना था, उसके लिए जरूरी था कि एक ऐसा कंट्रोल रूम जो दिन रात काम करे और बीमार हुए लोगों के बराबर संपर्क में रहे। इसलिए बांदा के विकास भवन में फर्स्ट फ्लोर पर बने कोविड कंट्रोल रूम को इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाकर विकास भवन के ग्राउंड फ्लोर में बने सभागार में शिफ्ट किया गया। कोरोना के बदले स्वरूप को देखते हुए इसमें भी कई बदलाव किए गए और ज्यादा कर्मचारियों को मरीजों से फोन पर संपर्क करने को लगाया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी बढ़ाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा डाटा फीड कर वास्तविक स्थिति को समझकर महामारी की रोकथाम की जा सके। दिन रात शिफ्टों में कर्मचारी यहां काम कर रहे हैं। डॉक्टर और पुलिस की हर शिफ्ट में ड्यूटी है ताकि किसी जरूरतमंद का फोन आए तो उसकी समस्या का तुरंत निराकरण किया जा सके। समस्या मर्ज की हो या सुरक्षा की, लोग हरदम तैनात है यहाँ। बांदा जिला प्रशासन की ओर से इस आपदा में लोगों की सुविधा के लिए 18 फोन नंबर जारी किए गए हैं। स्क्रीन पर आप इन टेली कंसल्टेशन नंबर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा होम आइसोलेशन में जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति रह रहे हैं, उन्हें यदि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वे इस नंबर पर SDM सदर सुधीर कुमार से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें नियमानुसार ऑक्सीजन की व्यवस्था उनके घर पर कराई जाएगी। कह सकते हैं कि ये सारी कवायद कोरोना की रोकथाम के लिए है और नागरिकों को किसी भी परेशानी से निजात मिल सके। लोगों को राहत तो मिल ही रही है। तमाम लोगों को जिन्हें होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है, उन्हें कोई भी समस्या आती है तो वो इन्हीं नंबर्स पर फोन करके डॉक्टर से बात करते हैं, उन्हें उचित सलाह भी दी जाती है। इसलिए लोगों को भी राहत मिलती जा रही है। महुआ ब्लॉक के अंतर्गत छिवाओ गाँव में मयंक ने भी कंट्रोल रूम में फोन कर जानकारी दी कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्हें मेडिकल किट मिल चुकी है पर अभी उन्हें गले में खराश है। इस पर फोन पर रही डॉक्टर गुलाब चंद्र मिश्रा ने उन्हें आवश्यक दवाओं के साथ गर्म पानी में हल्का नमक डालकर गरारा करने की सलाह दी। बाद में मयंक ने फिर से फोन कर आराम मिलने की बात की और डॉक्टर्स का धन्यवाद दिया। अब मयंक ठीक होने के बाद अपने गाँव में भी अन्य लोगों को टेली मेडिसिन डेस्क का नंबर देकर उन्हें फोन पर ही आवश्यक सलाह लेने के लिए कहते हैं। जिला प्रशासन ने इस कोविड कंट्रोल रूम में सारे आंकड़े एक बार में देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनवाया है। इसमें पूरे जनपद के गांव स्तर पर भी सभी मरीजों का डाटा फीड किया गया है। होम आइसोलेशन में रह रहे तथा ठीक होने वाले मरीजों के बारे में भी इस सॉफ्टवेयर की मदद से सटीक जानकारी मिल रही है। तभी इस दिशा में किए जा रहे काम की रफ्तार बढ़ी है। अगर देखा जाए तो बांदा जिला प्रशासन ने कोविड 19 के रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर जिस रणनीति की कल्पना की थी, वह इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में सामने आई है और इसने काफी हद तक इसमें सफलता भी पाई। बांदा जिलाधिकारी भी इसका श्रेय पूरी टीम को देते हैं क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही किसी भी समस्या को परास्त किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप भी स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल हो रहे इन नंबर्स पर फोन कर अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। लेकिन साथ ही कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का भी ख्याल रखें। कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना योगदान दें। धन्यवाद।